हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल 723। टेक्निकल 723 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि अपने स्मार्टफोन से आप किस तरह कार्टून वीडियो बना सकते हैं और कार्टून वीडियो बनाने के लिए आपको कार्टून जो है बैकग्राउंड कहाँ से लेना है, कार्टून इमेजेस कहाँ से लेना है, कहाँ से उसके थिंग्स लेना है जो आप कार्टून वीडियो में अपलोड करेंगे और कार्टून वीडियो में उसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताऊँगा अपने स्मार्टफोन से कि कहाँ से आप जो है कार्टून इमेजेस को डाउनलोडिंग कर सकते हैं, कार्टून बैकग्राउंड को डाउनलोडिंग कर सकते हैं और अदर थिंग्स की जो आवश्यकता होगी उसको डाउनलोडिंग करके आप अपने कार्टून एनिमेशन तैयार कर सकते हैं, जिससे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जहाँ मैं बताऊँगा कि आप जो है किस प्रकार से कहाँ से जो है कार्टून इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कार्टून एनिमेशन को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखें तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ से जो है किस प्रकार के मटेरियल्स लेंगे, किस प्रकार के बैकग्राउंड से लेंगे और इमेजेस लेंगे जो कार्टून में प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ से किसी प्रकार की कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को बने रहिए एंड तक। पर तो सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, गूगल में आप जो है उसमें टाइपिंग करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आपको लिखना है गूगल में कार्टून पीएनजी बैकग्राउंड, उसके बाद आपको लिख देना है फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट वाली हम जो है इमेजेस को यहाँ से डाउनलोडिंग करेंगे। यहाँ से क्लिक कर देंगे, उसका डेटा यहाँ ऑफ है, डेटा को हम ऑन कर देंगे। जैसे यहाँ डेटा को ऑन कर देंगे तो आपको यहाँ वेट कर लेना है, यहाँ पर डेटा देखिए यहाँ से बहुत सारे जो है बैकग्राउंड आ चुके हैं। जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से कार्टून जो है आ चुका है, कार्टून का यहाँ बैकग्राउंड यहाँ से ले लेना है आपको, यहाँ से आपको डाउनलोडिंग कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ डाउनलोड कर लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, मतलब जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आपको तो आपको यहाँ से इस पर क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार से जो भी मतलब बैकग्राउंड आपको ज़रूरत होंगे उसका आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके यहाँ से बैक कर देंगे। उसके बाद बैक जैसे करेंगे उसका फिर बैक कर देंगे, उसका यहाँ कार्टून पीएनजी बैकग्राउंड है। अब यहाँ से इसको जो है यहाँ बैकग्राउंड को है ना यहाँ से हटा देंगे। अब कार्टून पीएनजी कैरेक्टर, यहाँ से कैरेक्टर लेना है, यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके जैसे क्लिक किए देखिए यहाँ बहुत सारा कैरेक्टर आ चुका है, इधर भी आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आपको यहाँ से क्या करना है, जो जो कैरेक्टर आ सकता है जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड इमेज, उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे, उसके बाद दूसरा लेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यह आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड कर लिए, अगर आपको दूसरा कैरेक्टर लेना है, जैसे ऐसे मैं इसको थोड़ा वेट कर लेता हूँ ताकि इसमें, तो उसके बाद यहाँ से इसको क्या करेंगे बैक कर देंगे। बैक करने के बाद जैसे होता है कि भूतिया होता है वो सब कर लेंगे, जैसे भूतनी लिख देते हैं, भूतनी, क्योंकि भूतनी का
इमेज लेना है, यहाँ से इमेज लिख देंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ बहुत सारे भुतनी आ चुका है, इमेजेस आपको लेना है। यहाँ से आपको देख रहे हैं ये इमेज ले सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको दूसरा लेना है यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए दूसरा भुतनी आ चुका है जो इसके साथ बच्चे हैं, यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप गूगल से जो है विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स, उसके बाद बैकग्राउंड इमेजेस ले सकते हैं, जिसमें आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। और इसका प्रयोग आप जो है वीडियो एडिटर के ऐप्स की मदद से आप कार्टून जो है वीडियो तैयार कर सकते हैं। जैसे एक ऐप्स है काइन मास्टर होता है, उसके बाद बीटा ऐप्स हैं, तो हम यहाँ बीटा ऐप्स की मदद से बताएंगे जिसमें वाटर मार्क भी नहीं आएगा। विदाउट वाटर मार्क का जो आप प्रयोग करके आप एक अच्छे कार्टून एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे आप बीटा ऐप्स की मदद से बता रहे हैं, इसका वेट कर लेना है क्योंकि ये सर्चिंग हो रहा है, नेटवर्क जितना फास्ट करेंगे उस हिसाब से ये चलते हैं, तो उस हिसाब से आपको देख लेना है क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा होता है, तो उसमें देख लेना है कि ये नेटवर्क कब तक ये कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ आपको प्रोजेक्ट में आ चुके हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट स्टाइल एडिट कर सर, या न्यू प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ये क्लिक किए, उसके बाद जैसे ये क्लिक करेंगे आपको यहाँ इमेजेज में जाना है। जब इमेजेज आएंगे आप देख रहे हैं इस इमेजेज को आप यहाँ से डाउनलोडिंग किया, जैसे एक इमेज ये ले रहा है, आपको ये एरो में क्लिक कर देना है। जैसे एरो में क्लिक किए लोडिंग हो रहा है, तो बीटा ऐप्स की मदद से बना रहे हैं, जैसे लोडिंग हो गया। अब उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, जितना मतलब प्रयोग करना है उतना टाइम का, जैसे यहाँ 30 सेकेंड का हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद ये बड़ा कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ से पिप में क्लिक करेंगे। जैसे पिप में क्लिक करें फिर इमेजेस में आ जाएंगे। जैसे ये इमेजेस जिसको लिया है, जैसे यही इमेज को ले लेते हैं यहाँ से, तो ये आ चुका है। उसके बाद इसको भी थोड़ा बड़ा कर देना है, कहाँ तक आपको दिखाना है ये देख चुके हैं। उसके आपको यहाँ से क्या करना है, इसको बैक कर लेंगे। अब यहाँ जैसे ये देख रहे हैं आप क्रोमा की में आना है, उसके बाद देखिए ये जो है आपको सर्चिंग कर रहे हैं, तो इससे देखिए ये पूरा कलर नहीं हुआ है, तो इसको और थोड़ा सा सही कर देते हैं, यहाँ से कम कर देंगे, धीरे धीरे ये सही आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे, अब देखिए ये आ चुकी है। अगर आपको यहाँ पर आपको इस पर एनिमेशन डालना है, यहाँ से एनिमेशन क्लिक करेंगे, यहाँ डायनेमिक है, फ्रेम आउट है, फ्रेम इन है, तो जैसे डायनेमिक पर क्लिक करते हैं तो बहुत तरह के देख रहे हैं एनिमेशन है, इसे बैक कर लेंगे। फ्रेम इन पर देख रहे हैं, अब यहाँ जूम इन है, जूम आउट है, जैसे जूम आउट का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं ये, अब देखिए बढ़ा हो गया। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, दिख रहे हैं यहाँ बड़ा हो चुका है। यहाँ से इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे एनिमेशन है यहाँ से मैं यहाँ से लिया, जैसे यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ क्लिक करता हूँ, ये दिख रहे हैं बड़ा आकार में दिखाई दे रहा है। तो इसमें और भी इफेक्ट्स डाल करके आप जो है कार्टून एनिमेशन अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप गूगल में जो है कार्टून पीएनजी बैकग्राउंड इमेज फॉरेस्ट का लेना है, कैरेक्टर लेना है, जो भी अदर थिंग्स होते हैं, आप हॉरर स्टोरी बना रहे हैं या कार्टून वीडियो बना रहे हैं, मतलब जिस पर स्टोरी बना रहे हैं आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छी प्रकार से आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत है,
जब एडिटिंग करेंगे आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करना है, और आप एडिटिंग सीख जाएंगे तो आप एक अच्छे प्रकार का स्टोरी तैयार कर सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर जो है शेयर करके आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह मैं जो है टेक्निकल से वीडियो लेके आते रहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।